लोग कहते हैं सुदामा जी ने छल किया था, तुम लोगों ने भी यही सुना कि सुदामा जी ने छल किया था, गुरु माता ने चना दिए तो चोरी चुपके खा लिए, यही सुना था ना, तो भगवान ने श्राप दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ो पहले। इसलिए तो कहते हैं गुरु बिन होए ना ज्ञान। सुदामा जैसा मित्र ना हुआ ना होगा। भगवान ने कोई श्राप नहीं दी सुदामा को, हम खंडित करते हैं, कोई श्राप नहीं दी, एक भी बार श्राप नहीं दी भगवान। दरअसल वो चनों की कहानी ऐसी है, एक बुढ़िया माँ थी, बुढ़िया औरत, वो सिला भी ना करती थी। सिला जानते हो, जब खेती कट जाती है तो बालों से कुछ दाने नीचे गिर जाते हैं, उसको बीनने के लिए उसे सिला कहते हैं, सिला बीन। वो बूढ़ी औरत सिला बीन करके चने रखी थी एक पोटली में। एक बार उसके घर में एक चोर आया, चोर पोटली लेकर के चला गया। बुढ़िया को बड़ा बुरा लगा, बुढ़िया ने श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तू चोरी करके मेरे चने ले गया, जा, मैं श्राप देती हूं कि जो भी इन चनों को खाएगा वो जिंदगी भर दरिद्री रहेगा। वो चोर चने लेकर के भागा भागा जा रहा था, लेकिन जैसे ही संदीपनी आश्रम उज्जैन के सामने से निकला, उसके पैर में चोट लग गई। वो चोट लग करके मुंह के बल गिर पड़ा, हाथ से पोटली खुल गई, चने बिखर गए, चने बिखरे। तो चोर ने बचने के उद्देश्य से चनों को वहीं छोड़ दिया और दौड़ लगा दी। वो आश्रम कोई और नहीं, वही आश्रम है जहां हमारे द्वारकाधीश ठाकुर जी और जहां पर सुदामा जी विद्या अध्ययन किए थे। गुरु माता झाड़ू लगाने के लिए बाहर निकली, चने बिखरे हुए पोटली पाई, गुरु माता ने वो सभी चने बीन करके रख लिए। ध्यान से सुनना मेरे पागलों, चनों की पोटली को ला करके रख लिया। एक दिन कथा वैसे ही है, बरसात हुई, भोजन पकाने के लिए लकड़ियां नहीं थी, तो भगवान कृष्ण और सुदामा को लकड़ी लेने के लिए वन में भेजा। गुरु मां ने सोचा घर पे तो बहुत कुछ खाने के, गुरु आश्रम में तो बहुत कुछ खिलाने को नहीं है, इन चनों को दे देते हैं, बच्चे चनों को खा करके रह लेंगे, शाम को फिर आकर के भोजन कर लेंगे। वो श्रापित चने जिन पर बुढ़िया श्राप दे चुकी थी कि जो भी इनको खाएंगे वो जीवन भर दरिद्री रहेंगे, श्रापित चने लेकर के भगवान कृष्ण तो थोड़ा आगे निकल गए, सुदामा जी थोड़ा पीछे थे। गुरु मां ने वो पोटली सुदामा जी को दे दी, बेटा तू भी खा लेना, आधा चने का भाग अपने मित्र कन्हैया को दे देना ताकि पेट के लिए कुछ आहार हो जाए। सुदामा ने गुरु मां को धन्यवाद दिया, हाथ में चनों की पोटली लेकर के सुदामा चले। निकले ही थे कि सुदामा ने चनों की पोटली को देखना चाहा कि आखिर चने कितनी मात्रा में है, लेकिन सुदामा ने जब चनों को गौर से देखा, सुदामा कोई साधारण नहीं, भगवान कृष्ण का मित्र साधारण तो हो ही नहीं सकता। सुदामा भी ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया, सुदामा जी भी ब्रह्म को जानने वाले थे। सुदामा ने जब उन चनों को गौर से देखा तो सुदामा ने पाया यह चने श्रापित हैं, इनको श्राप लगी है कि जो भी इनको खाएगा वो जीवन भर दरिद्री रहेगा। गुरु माने तो आज्ञा दी कि दोनों आधा बांट बांट करके खा लेना, अगर मैं आधा आधा बांट करके खाऊंगा
तो आधी जिंदगी मेरे कन्हैया को और आधी जिंदगी मुझे, दोनों को दरिद्रता भोगनी पड़ेगी। फिर मैं मित्र किस काम का, मैं एक काम करता हूँ, चोरी चुपके पूरे चने को खा लेता हूँ, मेरा कन्हैया राजा बना रहे, मैं भले ही दरिद्र हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं। मित्रता को निभाने के लिए सुदामा ने वो चने खाए। हमने सुना है सुदामा ने जितने चने खाए वो चने के दाने थे 40। सुना है 40 दाने थे, इसलिए सुदामा 40 वर्ष तक भगवान कृष्ण से दूर रहे और दरिद्रपन भोगना पड़ा। सुदामा जैसा न मित्र हुआ न हो सकता। मित्रता का मतलब लेन देन का व्यवहार नहीं है मेरे पागलो, तुम याद रखो। मित्रता का मतलब है सब कुछ अपने मित्र के लिए समर्पित कर देना। मित्रता कोई समझौता नहीं है कि कुछ तुम दो फिर कुछ मैं दूं। मित्रता का मतलब ये नहीं थोड़ा तुम मिलो थोड़ा मैं मिलूं। मित्रता का मतलब है अगाध श्रद्धा। मित्रता का मतलब है समर्पण। मर्यादाएं तोड़ दो मित्रता के लिए तो मित्रता, वरना क्या खाक मित्रता।